हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर मूवी जो आने वाली है 2024-2025 में, उनके नाम बताने वाले हैं जिनका बजट बहुत बताया गया है। बिग बजट मूवी होने वाली है जो कि 2024-2025 में आने वाली है, जिसमें सबसे पहले मूवी है सिंघम 3, जिसकी स्टार कास्ट में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, विक्की कौशल, जो कि मल्टी स्टारर मूवी होने वाली है जिसमें कई स्टारों का कैमियो भी होने वाला है। इसके डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, इसको रिलीज करने वाले हैं 15 अगस्त 2024 को, और इसका बजट बताया गया है 200 करोड़, जो कि बिग बजट मूवी होने वाली है। सिंघम के दो पार्ट आ चुके हैं, इससे पहले सिंघम रिटर्न, सूर्यवंशी और सिम्बा आ चुकी है, और ये तीसरा पार्ट आने वाला है सिंघम का। फिर इसके बाद गोलमाल 5, जिसकी स्टार कास्ट में श्रेयस तलपड़े, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर, अजय देवगन, नवीन सिंह, और इसके डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, और इसको रिलीज करेंगे 2025 में, और इसका बजट बताया गया है 200 करोड़, जो कि बिग बजट होने वाली है। और इसमें कॉमेडीज भरपूर होने वाली, जिसके 4 पार्ट आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी थी। और इसके बाद फिर आने वाली है और मैं कहाँ दम था, जिसके स्टार कास्ट में अजय देवगन, तब्बू, निमी, और इसके डायरेक्टर है नीरज पांडे, और इसको 26 अप्रैल 2024 को रिलीज़ करने वाले है। इसका बजट बताया गया 150 करोड़। फिर इसके बाद सत्संग मूवी आने वाली है, जो कि इसकी स्टार कास्ट में अजय देवगन, अमरीला राव, और इसके डायरेक्टर है प्रकाश झा, जो कि 2025 में इसको रिलीज़ करने वाले है, और इसका बजट बताया गया है 100 करोड़, जो कि ये भी बिग बजट मूवी होने वाली है। फिर इसके बाद आने वाले दृश्यम 3, जो कि बहुत अच्छी मूवी होने, जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं, दृश्यम 2, जिसके स्टार कास्ट में अजय देवगन, मोहनलाल, अनिशिला, श्रेयस तब्बू, अंजलि नेर, मीना आशा, और डायरेक्टर है जेथान जोसफ, जो कि 2025 में आने वाली है, और इसका बजट बताया गया 150 करोड़, जो कि बिग बजट मूवी आने वाली है। दृश्यम 3 बहुत अच्छी कमाई करने वाली है मूवी। फिर इसके बाद आने वाली है चाणक्य, जो कि चाणक्य पे आधारित मूवी है, जिसकी स्टार कास्ट में अजय देवगन और इसके बाकी स्टार के नाम आने वाले हैं। फिर इसके 16 जून 2024 को रिलीज करने वाले हैं। इसके डायरेक्टर है नीरज पांडे, और बजट बताएगा 400 करोड़, जो कि बिग बजट होने वाली है। फिर इसके बाद है मूवी धमाल 4, जो कि इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसकी स्टार कास्ट में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा। इसका बजट बताया गया है 200 करोड़, और इसके डायरेक्टर है इंद्र कुमार, जो कि इसको रिलीज कर रहा है 2024 में, और इसका बिग बजट होने वाला, जो कॉमेडीज भरपूर है, जिसके 3 पार्ट आ चुके हैं, और इससे भी आगे बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी होने वाली है। फिर इसके बाद आने वाली है मूवी सन ऑफ सरदार 2, जो कि ये भी बिग बजट मूवी होने वाली है। इसका पार्ट आ चुका है सन ऑफ सरदार, इसकी स्टार कास्ट में अजय देवगन, संजय दत्त, सनी देओल, जो कि बिग बजट मूवी होने वाली है। इसका बजट बताया गया है 300 करोड़, इसको 2025 में रिलीज करने वाले हैं। इसके डायरेक्टर है अश्विन धीर। और फिर इसके बाद आने वाली मूवी है रेड 2, जो कि ये भी इसके भी पहला पार्ट आ चुका है, और इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, जिसकी स्टार कास्ट में अजय देवगन, रितेश देशमुख, और इसको 15 नवंबर 2024 को रिलीज़ करने वाले हैं, जो कि बिग बजट मूवी होने वाली है। इसका बजट बताया गया